हेलो एवरीवन, मैं नवदीप ब्राड आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसके कि हमने इंट्रोडक्शन जो था वो लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि क्या होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद उसके दो टाइप्स ऑर्डिनरी एंड पार्शियल, देन अपने ऑर्डिनरी के अंदर उसके दो टाइप्स कर लिए थे, कौन कौन से, लीनियर एंड नॉन लीनियर, रैखिक साधारण अवकल समीकरण और अरैखिक साधारण अवकल समीकरण। तो आज हम उसके आगे बात करते हैं ऑर्डर की, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ऑर्डर को ओडी भी कह दिया जाता है हिंदी के अंदर। तो क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में उपस्थित हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अवकल समीकरण में, डिफरेंशियल इक्वेशन में विद्यमान हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ऐसा डेरिवेटिव जिसका खुद का ऑर्डर उस इक्वेशन में हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल से इसको इलेबोरेट करते हैं। dy by dx plus 2y is equal to 0. This is a differential equation. तो इसका आपने अगर order बताना है, order of differential equation बताना है, तो इसका order आपके पास 1 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर derivative, highest order derivative कौन सा है? ये single order derivative है, dy by dx एक ही बार derivative हो रहा है, तो single order derivative है, तो इसका order कितना है? 1, वही आपकी differential equation का भी order बन जाएगा। नेक्स्ट कोई और एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 2, बिकॉज इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके पास, अगर आप लेना चाहो, ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर भी 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये 2 ऑर्डर वाला है आपके पास, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है। तो आपके इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, तो आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा? 2 होगा। अब ऑर्डर की तो बात हमने कर ली, नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री को घात भी कह दिया जाता है। ओके, डिग्री को हिंदी में घात कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जुड़ा है आपके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। जैसे ऑर्डर भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर ही आप निकाल सकते हो, वैसे ही डिग्री भी अगर आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड करनी है, तो आपको सबसे पहले उस इक्वेशन के अंदर ढूंढना होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। बट उसकी एक कंडीशन है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आपका डेरिवेटिव के संदर्भ में, डेरिवेटिव के रेफरेंस में, वो पूर्ण परिमेय और बीजीय होनी चाहिए। अब ये क्या है, पूर्ण परिमेय और बीजीय क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को
डेरिवेटिव्स के संदर्भ में, डेरिवेटिव्स के संदर्भ में पूर्ण बीजीय परिमेय बनाने के बाद उसमें आने वाले या विद्यमान उसमें आने वाले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री यानी घात ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो मेनली अपने को देखना क्या है, जस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही तो देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है और उसकी पावर कितनी है, उसकी घात कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है। तो वही आपकी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डेरिवेटिव्स के संदर्भ में पूर्ण बीजीय और परिमेय बनाने का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लिखा था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये आपके सामने है। इसका ऑर्डर आपके पास 2 आया था। अगर आपको इसी एग्जांपल की डिग्री निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? देखो सीधे अपने इसकी डिग्री, अब आपके अगर इसको निग्लेक्ट कर दिया जाए तो आप कहोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा 2 ऑर्डर का है, इसकी डिग्री आपके पास यानी इसकी घात कितनी बन रही है 1, तो इसकी डिग्री 1 है। लेकिन ये रॉन्ग है, इसको अपने क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर पावर आ रही है 3/2, ये इसको डिग्री को आगे नहीं बढ़ने देगी। क्यों? क्योंकि पहले हमें इसको हटाना होगा, इसको पूर्ण परिमेय बनाना होगा, उसके बाद ही हम डिग्री डिफाइन कर पाएंगे, डिग्री निकाल पाएंगे। तो कैसे करोगे आप इसको, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं तो इसमें दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर करने पर क्या आएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस के स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड देन ये क्यू। अब ये बनी है आपकी पूर्ण परिमेय इक्वेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी घात जो है वो रैशनल नंबर के अंदर नहीं है। 3/2 था, अगर 1/2 होता, 5/2 होता, तब भी हमें उसे रिमूव करना होता, उसको क्या करना है, एक पूर्णांक घात बनाना है, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन जो है उसमें से हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अब डेरिवेटिव का ऑर्डर तो वही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो वही रहेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बस उसकी जो है घात पहले 1 आ रही थी, अब उसको पूर्ण परिमेय बनाने के बाद आपकी डिग्री कितनी बन जाएगी, 2। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, 2 था, और इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो भी कितनी आएगी आपके पास, 2 आएगी। एक और एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने डिग्री को डिफाइन करने के लिए। जैसे आपके पास ये है dy by dx is equal to x dy by dx plus under root 1 plus dy by dx square, d2y by dx square आप यहां ले लीजिए। तो इसके अंदर भी क्या है आपकी, अब देखो यहाँ अपने एक बात और थी, पूर्ण बीजीय व पूर्ण परिमेय किसके संदर्भ में बनाना है आपको, डेरिवेटिव्स के संदर्भ में, इसको ध्यान में रखना। सिर्फ आपके डेरिवेटिव जो है उनके ऊपर जो भी आपकी पावर आ रही है वो रैशनल नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था अंदर, उसके ऊपर 3/2 पावर आ रही थी उस पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ा। ऐसे ही हमें यहाँ भी देखा कि डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो हमें इसको रिमूव करना है। ओके, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो इसका आपके पास ऑर्डर तो 1 है, इस इक्वेशन के अंदर आपको ऑर्डर कितना दिख रहा है, डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। तो जस्ट आपको क्या करना है, ऑर्डर तो आपको मिल गया, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको पूर्ण परिमेय बनाना है डेरिवेटिव्स के संदर्भ में, तो बस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। अब दोनों तरफ क्या करेंगे इसको हटाने के लिए, स्केयर करेंगे, स्केयर करेंगे तो ये वाला अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका होल स्केयर ओपन करना है, देन आपको देखना है कि आपकी डिग्री कितनी बन रही है। तो इसका ऑर्डर आपके पास 1 था, डिग्री आप क्लियरली देख सकते हो, हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी आपकी, 2 ही बनेगी। तो आपकी
ऑर्डर इसका क्या है, इस इक्वेशन का 1, और इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो आपके पास कितनी बनेगी, 2 बनेगी, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में, और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जा सकता है उसके सॉल्यूशंस का यूज करके। तो आज के लिए थैंक यू।